वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज फाइन एंड फिट एट होम। टुडे आई एम हियर टू टेक क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेटा आपकी एक्सरसाइज 9 बी का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है अपनी लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 10 देखिए बेटा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। दो नंबर है हमारे पास रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं, 8:9। 8:9 मीन्स ये आपका है बेटा फर्स्ट नंबर, ठीक है। इट शोज हियर फर्स्ट नंबर, इट रिप्रेजेंट सेकंड नंबर। ये आपका फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या आपका सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 मीन्स अगर इनका दोनों का सम हम करते हैं 153 आता है। दोनों नंबर्स का अगर हम सम कर रहे हैं कितना आ रहा है 153। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो, ठीक है। लेट द कॉमन रेशियो एक्स, हमने कॉमन रेशियो ले लिया एक्स, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, 8:9 दे रखा है ना, तो हम 8 के बाद क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, मीन्स 8x। हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 8x और सेकंड नंबर क्या हो गया 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 मीन्स नंबर्स है दोनों नंबर इनका सम, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू में 153, ये क्वेश्चन में दे रखा है। स्टेटमेंट में देखिए, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 मीन्स हमारा ये जो दो नंबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का सम 153 है। तो मैंने दोनों का सम करवा दिया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू में 153। अब बेटा फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है 8x, तो हम यहाँ पर 8x लिख सकते हैं, प्लस सेकंड नंबर कितना दे रखा है यहाँ पर 9x इक्वल टू में 153, ठीक है। 8x प्लस 9x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17x इक्वल टू में 153। x इक्वल टू में 153 अपॉन 17, ये कैसे हुआ बेटा, 17 जो है वो मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई में x के साथ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहां से उस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, ठीक है। 17 × 17 = 153, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फाइंड द नंबर, ये हमें फाइंड आउट करना था नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये रखा बेटा फर्स्ट नंबर 8x, ठीक है। 8 हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी ना, कितनी निकली x की वैल्यू 9, इसको यहां पुट करेंगे 72, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हो गया 72। अब हम निकालेंगे बेटा सेकंड नंबर, लेट क्या कर रखा था यहां पर 9x, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल गई, उसको पुट कर देंगे 9 × 9 = 81, ठीक है। दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर है हमारे पास रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं। रेशियो के फॉर्म में कोई नंबर होता है इट मीन्स हम सबसे पहले
हैं, लेट द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा एक्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट नंबर क्या ले लिया एट एक्स, सेकंड नंबर को क्या लेट कर लिया नाइन एक्स, ठीक है। आगे देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा था, सम ऑफ द नंबर इज 153, अगर इन दोनों का सम जो है 153 है, मींस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 153, फर्स्ट नंबर की वैल्यू है यहाँ पर 8x, सेकंड नंबर है 9x, दोनों का सम करवाया 153 के इक्वल है, 8x प्लस 9x होते हैं 17x इक्वल टू 153, इधर 17 मल्टीप्लाई में है x के साथ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, ठीक है, 17 इधर मल्टीप्लाई में बेटा उधर की तरफ शिफ्ट होएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 17 × 17, 17 × 9 = 153, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, तो फर्स्ट नंबर हमें निकालना था, फर्स्ट नंबर हमने दे रखा 8x, तो 8 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे हम 9 पुट कर सकते हैं, 9 × 9 = 72, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा 9x यहाँ पर लेट कर रखा है, 9 × 9 = 81, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड 1 आवर इन द रेशियो, हमें 1 आवर जो है इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, शेयर करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कल किए थे, ठीक है, कैसे करेंगे बेटा देखिए, डिवाइड 1 आवर इन द रेशियो 2:3, सॉल्यूशन देखिए इसका, फर्स्टली ये 1 आवर दे रखा है, ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है, अब हम इस 60 मिनट को बेटा डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 2:3 की फॉर्म में, तो इसके दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा 2 × पहले स्टार्टिंग में 60 लिख दीजिए, 60 × 2 / इन दोनों का सम 5, ठीक है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, So the answer is 24, 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 मिनट आ गया, ठीक है, फर्स्टली हमने क्या किया बेटा 1 आवर दे रखा था हमारे पास, 1 आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, आवर को मिनट में कन्वर्ट किया है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, इतना प्रोसेस हो गया आपका, उसके बाद दो पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा 2 और डेनोमिनेटर में क्या होता है इन दोनों रेशियो का सम होता है, तो 2 + 3 कितने होते हैं 5, वो हमने लिख दिया, और हमें डिवाइड किसको करना है 60 को डिवाइड करना है, तो इन मल्टीप्लाई में हमने 60 लिख रखा है, ठीक है, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, 12 भी 2 से मल्टीप्लाई करवाई 24 मिनट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब देखिए सेकेंड पार्ट, 60 × अब क्या रखेंगे बेटा न्यूमिनेटर में 3 अपॉन में 5, ठीक है, फिर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो रहा है 12 पे, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा 36 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, डिवाइड 1 आवर इन द रेशियो 2:3, 1 आवर को हमें 2:3 के फॉर्म में डिवाइड करना था, इस टाइप से हमने किया, पहले न्यूमिनेटर में यहाँ पर 2 लिख रखा है, डेनोमिनेटर में दोनों का सम है 2 + 3 = 5, ठीक है, सेकंड पार्ट में न्यूमिनेटर में हमने 3 लिखा है, डेनोमिनेटर में दोनों का सम है 2 + 3 = 5, ठीक है, और फिर डिवाइड करना था ना 60 को, तो 60 तो मल्टीप्लाई में लिखना ही है, दोनों में यही लिख रखा है, और डिवाइड कर दिया, कैंसिल करा, यहाँ पर 24 और 36 मिनट में डिवाइड हो गया, ठीक है, दोनों का सम करवाते हैं तो 60 मिनट ही आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ए बैग कंटेन्स टोमेटोस पोटेटोस एंड ओनियंस इन द रेशियो 6:9:5, ठीक है, एक बैग है उसके अंदर टोमेटो है, पोटेटो है, ओनियंस है, किस रेशियो में है वहां पर बैग के अंदर 6:9:5, ठीक है, इफ द वेट ऑफ दिस वेजिटेबल, अगर इन वेजिटेबल्स का टोटल वेट अगर देखे बैग के अंदर तो वो 2 kg हो जाता है, तो फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ देम, टोटल वेट तो इसने क्वेश्चन में बता रखा है कि बैग का टोटल वेट बेटा 2 kg है,
ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है ईच ऑफ देम का मतलब होता है हर किसी एक का वेट बताइए। जैसे टोमेटो बैग के अंदर कितने हैं, पोटैटो बैग के अंदर कितने हैं और ओनियन बैग के अंदर कितने हैं, उसका सबका वेट बताना है। ठीक है, तो बार क्वेश्चन समझ लीजिए, बैग है उसके अंदर तीन चीजें हैं हमारे पास, टोमेटो पोटैटो और ओनियंस, और इस रेशो में है 6:9:5 टोटल बैग का जो वेट है, कंप्लीट जो बैग है आपके पास उसका टोटल वेट हमारे पास 2 kg है। हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ देम, हर किसी का वेट फाइंड आउट करना है, मतलब टोमेटो का पोटैटो का और ओनियंस का अलग से वेट बताना है कि कितने बैग के अंदर टोमेटो कितने हैं और ओनियन कितने हैं और पोटैटो कितने हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट द कॉमन रेशो, लेट द कॉमन रेशो क्या लेट कर लेंगे, कॉमन रेशो को एक्स। ठीक है, अब हमारे पास टोमेटोज का वेट, पोटैटोज एंड ऑनियंस का वेट जो है वो 6:9:5 की फॉर्म में दे रखा है। देन टोमेटोज वेट कितना हो जाएगा बेटा, 6x। ठीक है, पोटैटोज वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 9x, और ऑनियन वेट कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, टोटल वेट कितना है वेजिटेबल्स का, इफ वेट ऑफ दीज वेजिटेबल इन द बैग इज 2 kg, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल, टोटल वेट कितना है बेटा वेजिटेबल का, 2 kg। ठीक है, 2 kg को हम यहां पर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 1000। ठीक है, ये मैंने आपको समझा रखा है किस टाइप से ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, टेबल बनाओगे आप अपनी उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप कितने जंप लग रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर बेटा ग्राम की नोटेशन देंगे क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, किलोग्राम से हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 1000 मीन्स 2000 ग्राम। अब टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल में टोमेटोस पोटैटो प्लस में ऑनियंस का वेट ही आता है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6x + 9x + 5x इक्वल टू में 2000 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल, वेजिटेबल में है क्या हमारे पास, तीन ही तो वेजिटेबल है बैग के अंदर, तो इन तीनों का वेट मतलब इन तीनों का सम 6x + 9x + 5x। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास ये, 20x, सो 20x इक्वल टू में 2000 ग्राम। ठीक है, हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की। बेटा x इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 20 के साथ, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर 20 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इक्वल के साइन को क्रॉस कर लेना, अब डिवाइड करवा देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 200, यानी 100। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 100। हमें वेट निकालना है ईच ऑफ देम। ठीक है, यहां पर सॉल्व करवा रही हूं, सो वेट ऑफ टोमेटो, टोमेटो का वेट कितना होगा, कितना होगा बेटा, हमने 6x लेट कर रखा है, 6x 6 × x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 100, इस 600। पीछे क्या नोटेशन दोगे आप, ग्राम की या किलोग्राम की, ग्राम की दोगे क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था ना किलोग्राम से ग्राम में इसको, 600 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ टोमेटो, टोमेटो का वेट कितना आ गया, 600 ग्राम। इसी टाइप से अब हम किसका वेट निकालेंगे, वेट ऑफ पोटैटोस। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या लेट कर रखा है, माइनस लेट कर रखा है यहाँ पर हमने,
देखिए मिस 9 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आया 100, मिस 900 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेट ऑफ ऑनियन। वेट ऑफ ऑनियन कितना ऐड कर रखा था, 5x की रेशो में ऐड कर रखा है इसको, मिस 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 100, मिस 500 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से हमने सभी वेजिटेबल्स का अपना अपना वेट निकाल दिया। अगर इनका हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है बेटा 2000 ग्राम ही आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया एक तरीके से देखे तो। ठीक है, इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। इन सभी सम्स को आप अच्छे से करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। आगे के सम्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।